फरवरी का महीना प्यार का महीना कहा जाता है और धर्म नगरी काशी में ये एक ऐसी अद्भुत मजार है जिसे आशिक मासूक की मजार के नाम से जाना जाता है। प्यार अंधा होता है, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। प्यार के परवाने अक्सर इश्क में पढ़ने के बाद कई बार इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं। ऐसी ही प्यार करने वालों की एक कहानी वाराणसी के एक मजार में मौजूद है, जिसे आशिक मासूक की मजार के नाम से जाना जाता है। वाराणसी के सिगरा इलाके के औरंगाबाद क्षेत्र में ये मजार है। ऐसे ही इस मजार का नाम आशिक मासूक नहीं पड़ा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। ये मजार तो है हजरत यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह की, इनको आशिक मासूक के नाम से जाना जाता है। बड़ी प्रसिद्ध मजार है, तकरीबन 400 साल पुरानी भी है। मुजावर फरीद बताते हैं कि ईरान के मोहम्मद शमत के बेटे यूसुफ 400 साल पहले वाराणसी आए थे। व्यापारी पिता के साथ जब वे बनारस आए तो उन्हें मरियम नाम की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया, लेकिन इनके प्यार के दुश्मन घरवाले बन गए और दोनों को जुदा कर दिया। यूसुफ से जुदाई मरियम बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसने गंगा में कूदकर अपनी जान दे दी। ये बात जब यूसुफ को पता चली तो उसने भी अपनी जान दे दी। कुछ दिन बाद जब दोनों की लाश मिली तो वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। इसे खुदा का करिश्मा मानते हुए सुपुर्द खाक किया गया, यहाँ मजार बनाई गई और नाम दिया गया आशिक मासूक की मजार। प्रेमी जोड़ों के लिए ये मजार बेहद खास है, खास तौर पर 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे का दिन। इस दिन इस मजार में दूर दूर से प्रेमी जोड़े अपनी जोड़ियों की सलामती की दुआ मांगने आते हैं और सजदा करते हैं। जिन प्रेमी जोड़ों की शादी तय हो जाती है वो शादी का पहला कार्ड देने के लिए मजार पहुँचते हैं। बीमार है वो अपने लिए आते हैं, जो परेशान है वो अपने लिए आते हैं, अब जिनको इश्क का रोग लगा हुआ है वो अपने लिए आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सभी की ये सुनते हैं। ये प्रेम कहानी एक पुरानी किताब आसरे बनारस में भी दर्ज है, जो इस बात का पुख्ता करती है कि ये घटना सच्ची है। खासतौर पर वैलेंटाइन डे का जो दिन होता है वो यहाँ पर बेहद खास होता है और प्रेमी जोड़े अपनी मन्नत को पूरा होने पर अपनी शादी का पहला निमंत्रण बाबा को आकर चढ़ाते हैं, उसके बाद ही वो आगे बढ़ते हैं। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।